क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन 10, लेट f बी द सबसेट ऑफ z क्रॉस f डिफाइंड बाय f इक्वल टू a कॉमा ab कॉमा a प्लस b, a कॉमा b बिलोंग्स टू z, इज f अ फंक्शन फ्रॉम z टू z, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है कि z टू z में इस से फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन f इक्वल a b कॉमा a प्लस b such that a comma b belongs to them. Points लेके देखते हैं दोनों integers. Let a equal to 0, b equal to 1 and a equal to 0, b equal to minus. इसमें ये बेटा ये कैसे पता चला function है, a को same रखो b change कर दीजिए। अगर a के same रखने पर और b को change करने पर ये अपना result same देगा तो फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं। तो f क्या बनेगा बेटा, अगर आप a को 0 b को 1 लेते तो रिजल्ट क्या है, 0, 1, a की जगह 0 लगाइए, 0 into 1 0, 0 plus 1 1, अब a की जगह 0 लगाइए, b की जगह minus 1, 0 into minus 1 0, 0 plus minus 1, क्योंकि b की जगह minus 1 लगा तो रिजल्ट क्या आ गया, minus 1। तो आप देखिए अगर हमने a को सेम रखा था तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, सेम आना चाहिए था, लेकिन अब हमारे रिजल्ट क्या आ रहे हैं, डिफरेंट। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, क्यों नहीं है। आप देखिए जीरो के दो रिजल्ट आ, माइनस वन और वन, जबकि a अगर हमने चेंज नहीं किया था तो हमारा रिजल्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एक पॉइंट में दो रिजल्ट आ जाएंगे तो फंक्शन नहीं, मतलब कहने का है ये जो दे रखा है हमें ये फंक्शन को बिलोंग नहीं, इससे फंक्शन नहीं बनेगा, ये इस तरीके से।